Good morning all of you. Hope you all are fine at home. As you know, in previous video we have started chapter number 9 and we have completed the introduction part of this chapter. Today we will do sum number first. Sum number first is find the profit or loss. Hame kya hai? Cost price or selling price hame given hai. Hame profit ya loss find out karna hai. To maine aapko bataya tha jab hamara cost price kam ho और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो. मीन्स सपोज कीजिए मैंने एक पेन बाय किया रुपीज़ 10 का. मीन्स मेरी उस पेन की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज़. तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 रुपीज़. और मैंने उसी पेन को क्या किया, रुपीज़ 20 में नेक्स्ट किसी कस्टमर को सेल कर दिया. तो मेरा सेलिंग प्राइस 20 हो गया रजी. तो देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. मीन्स मुझे क्या हो रहा है, मैंने कम पैसों में वो चीज़ बाय करके ज़्यादा पैसों में मैंने सेल कर दी वो चीज़. तो मीन्स मुझे क्या हो रहा है रजे, प्रॉफिट हो रहा है. ओके तो प्रॉफिट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने उस पेन पर कितना प्रॉफिट अर्न किया है. तो हम क्या राइट करेंगे, एस पी माइनस सीपी. बिकॉज हमारा एस पी ज़्यादा है और सी पी मेरा कम है, तो मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है रजे, एस पी माइनस सी पी. एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है मेरा रुपीज़ 20 एंड मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है रजे, 10. तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ रजे, रुपीज़ 10 का. लाइक दिस यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन फर्स्ट सम. फर्स्ट सम में देखिए रजे, ए पार्ट में उसे कॉस्ट प्राइस है 5000 और सेलिंग प्राइस है 6000. देखिए हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, कम है. तो मींस इस सिचुएशन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि किसी पर्सन ने कोई चीज़ कम पैसों में बाय करके नेक्स्ट ज़्यादा पैसों में उसे सेल कर दी. तो मींस हमें प्रॉफिट हो रहा है. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो मींस हमें प्रॉफिट होता है. और हमारा सेलिंग प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो हमें लॉस होता है. ठीक है, नेक्स्ट सम में देखिए रजे, कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 12000 और सेलिंग प्राइस है 10000. मीन्स उसने ज़्यादा पैसों में चीज़ को बाय करके और कम पैसों में उसे सेल कर दिया. मीन्स इस सिचुएशन में उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है. तो हम लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं रजे, लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी. अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं वो हमारा क्या आ जाता है रजे, लॉस आ जाता है. तो देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस है इसमें 12000 और सेलिंग प्राइस है हमारा 10000. अगर मैं 12000 में से 10000 को माइनस कर दूंगी तो मीन्स मेरी प्रॉफिट सॉरी लॉस आ जाएगा, मुझे उसकी उस पर कितना लॉस हुआ है. क्लियर, नेक्स्ट सम भी सेम एज इट इज़ है रजे. हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 1800 और सेलिंग प्राइस गिवन है 2400. मीन्स हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है. तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना. आपने क्या करना है रजे, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट का फॉर्मूला राइट कर लेना है, इसलिए आपको सम करने में ईजी हो जाओ. ठीक है, एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है और लॉस का क्या होता है रजे, सी पी माइनस एस पी. अपोजिट होते हैं रजे फॉर्मूले, आपने एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी इसके अपोजिट हैं. आपने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लर्न किया एस पी माइनस सी पी और लॉस का इसका अपोजिट हो जाएगा सी पी माइनस एस पी. लाइक दिस यू हैव टू डू दिस फर्स्ट सम इन योर बुक. आपने इसको सॉल्व तो अपनी पी एन बी पर करना है, बट इसको फिल आप बुक में ही कर लोगे रजे. ओके नाउ नेक्स्ट सम, नेक्स्ट हम देखिए है हमारा है फिलिंग इन दी ब्लैंक्स. इसमें हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, प्रॉफिट गिवन है, लॉस भी नहीं गिवन. रजे हमें एक ही चीज़ गिवन होगी, हमें या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना. प्रॉफिट या तो प्रॉफिट होगा हमें या हमें लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. देखिए अगर सी पी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, आपको सी पी और प्रॉफिट गिवन है और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. तो देखिए रजे मैं आपको फॉर्मूले लर्न करवाती हूँ. अगर देखिए हमें सी पी भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस. तो हम सी पी में मीन्स कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. क्लियर, और इसकी जगह अगर हमें लॉस गिवन होता तो हम क्या कर देते, लॉस को माइनस कर देते सी पी में से. क्लियर, अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया है. अगर हमें
कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता रहा जी? देखिए, हमने प्रॉफिट को प्लस किया था कॉस्ट प्राइस में, अब हमें कॉस्ट प्राइस तो फाइंड आउट करना है, तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या कर देंगे रजे? माइनस कर देंगे, और लॉस अगर लॉस गिवन है तो लॉस को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। ओके, ये देखिए ये फॉर्मूलाज अपोजिट हैं। अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, अगर लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है और जो हमारा लॉस है वो माइनस होता है। देखिए ये अपोजिट है राजे फॉर्मूलास, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस 2400 है, एसपी मीन सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट भी हमें गिवन है कि रुपीज 400 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो राजे देखिए हम कैसे करेंगे, हम प्रॉफिट को क्या करते हैं सीपी में ऐड करते हैं, तो एसपी हमें फाइंड आउट करना है मीन सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है ना रजी, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, क्लियर? तो हमारा सीपी है रजी 2400 और प्रॉफिट है हमारा 400 का, तो मेरा सेलिंग प्राइस रजी क्या आ जाएगा? आप इसे ऐड करेंगे तो 2800, क्लियर रजी? नेक्स्ट सम में देखिए, नेक्स्ट सम में आपको लॉस गिवन है, सीपी भी गिवन है लॉस भी गिवन है, तो सीपी में अगर मैं लॉस को माइनस कर दूं तो मेरा एसपी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ किया था, एसपी हमें फाइंड आउट करना था तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दिया था, और हम क्या करेंगे लॉस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए हमें कितना गिवन है, सीपी हमारे पास है 1900 और लॉस है रजे 300 का, तो देखिए हमारे पास एसपी कितना आ जाएगा? अगर मैं 1900 में से 300 को माइनस करूंगी तो राजे मेरे पास आंसर आ जाएगा 1600, रुपीज 1600 उसका सेलिंग प्राइस है, क्लियर? सी पार्ट में राजे देखिए, हमें पहले तो हमें सीपी गिवन था, प्रॉफिट या लॉस गिवन था, तो हमने एसपी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एसपी गिवन है राजे, सीपी फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट लॉस गिवन है, सेम राजे बिल्कुल अपोजिट सम है। देखिए इस सम में हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है ना, तो हम कॉस्ट प्राइस को अपनी लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, तो सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्लियर? तो देखिए हमारा सेलिंग प्राइस है 2900 और प्रॉफिट है हमारा 100 रुपीज़ का, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा रजे? 2900 में से 100 को कट करेंगे, 2800 मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब इसमें हमें लॉस गिवन है, नेक्स्ट में 1519 एसपी है और 60 रुपीज़ का क्या है? लॉस। तो हम प्रॉफिट माइनस किया था, लॉस क्या कर देंगे रजे? ऐड कर देंगे, क्लियर? 1590 प्लस 60, ओके? तो जब मैंने माइनस किया तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा रजे? ₹1650। आपने रुपीज़ का साइन भी मेंशन करना है, ओके? तो नेक्स्ट सम यू विल डू योरसेल्फ। अगर आप इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लेते हो ना, तो आपको इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूले एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। प्रॉफिट फाइंड आउट किया था तो मैंने एसपी माइनस सीपी कर दिया था, और लॉस फाइंड आउट किया है तो सीपी माइनस एसपी कर दिया, क्लियर? सपोज कीजिए मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे और लॉस को माइनस कर देंगे। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो एसपी में लॉस को प्रॉफिट को माइनस कर देंगे और लॉस को प्लस कर देंगे, क्लियर? यहाँ हमने लॉस को माइनस किया था, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट को प्लस किया था, यहाँ माइनस हो जाएगा, ओके? सो दिस वाज आवर फर्स्ट एंड सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज 9A। योर वर्क इज टू डू दिस फर्स्ट एंड सेकंड सम इन योर बुक, ओके, एंड रिवाइज दिस फॉर्मूलाज। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टू सम्स यू कैन आस्क टू मी।